सेवन सीटर हेक्टर जिसे हम लोग हेक्टर प्लस के नाम से जानते हैं, वह भी नए अपडेट के साथ लॉन्च की गई है। आखिर क्या इसमें बदलाव आए हैं, ये सारी बातें करते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड हेक्टर प्लस का, क्या चेंजेस आए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि बहुत से ऐसे बदलाव आए हैं जो इससे पहले हेक्टर प्लस में नहीं होते थे। जैसे कि यह हेक्टर प्लस अब टॉप के वेरिएंट में भी आने लगी है, यानी हेक्टर प्लस अब आपको शार्प वेरिएंट के साथ मिलेगी, चाहे आप पेट्रोल इंजन ले या आप डीजल इंजन ले, जो आपको पहले बिल्कुल नहीं मिलता था। अब शुरुआत करें एसटीएस से, क्या चेंजेस हैं? देखो ये सिग्नेचर स्टाइल सिमिलर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे डीएल मौजूद है, यहीं पे आपको हेडलैम्प मिलते हैं, नीचे फॉग लैम्प है, इनमें और हेक्टर में कोई चेंज नहीं। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, ये डल फिनिश अच्छी लग रही है, ग्रिल बड़ी वाली बहुत अच्छा। यहाँ पर प्लस की बैजिंग आपको देखने को मिल गई होगी जो बताता है कि यह हेक्टर प्लस है, यानी फ्रंट से देखने में बहुत बोल्ड, बहुत मस्कुलर, डायमंड मैश ग्रिल काफी शानदार लगती है। अब बात करें साइड में क्या चेंजेस हैं, आइए साइड प्रोफाइल पर, जिस पर आपकी सबसे पहले निगाह पहुंचेगी वह है हमारे व्हील्स। 18 इंच के अलॉय व्हील्स है, सेम वही अलॉय व्हील्स है जो हेक्टर में पाए जाते हैं। 215/55 प्रोफाइल्स के टायर, अच्छा क्लैडिंग मौजूद है। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई चेंज नहीं, वो वही है, अच्छी स्कर्टिंग लोगों को सेफ रखने के लिए कार को। एमजी की हेक्टर की जो मेन की है वो बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये अभी भी वैसे ही देखने को मिल रही है। अगर हम इसे खोलना चाहें तो आप एक बटन से अनलॉक कर सकते हैं, इंडिकेटर जल जाएगा और अपने आप ओआरवीएम ओपन हो जाएंगे। नीचे कैमरा मौजूद है और यहाँ पर आपको मिलती है ये सेटिन फिनिश जो कि एक्चुअल में क्रोम लाइनिंग का एक हिस्सा है। डोर पर भी एक क्रोम की एंगल मिलती है, यहाँ पर एक सेंसर भी रखा गया है अगर आप विदाउट के काम करना चाहते हैं। ऊपर आपको रूफ रेल और पैनल में संदूक दे रखी गई है, क्वार्टर पैनल थोड़ा सा बड़ा सा है ताकि देखने में अच्छा लगे, और ये है पेट्रोल वेरिएंट के साथ में, ताकि इंडियन कंज्यूमर्स को पेट्रोल में भी टॉप एंड वेरिएंट दिया जा सके, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली दूसरे कई स्टेट्स के। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो आपकी निगाह पहुंचेगी हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर, नीचे डिफॉगर, वाइपर मौजूद है, और इन टेल लैम्प की बात की जाए तो आप यहाँ चौंक जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी टेल लैम्प असेंबली मिलती है, ब्लेड डिजाइन के आपको रियर इफेक्ट मिलते हैं, बीच में एमजी की बैजिंग मिलती है, ठीक नीचे आपको कैमरा दे रखा गया। यहाँ हेक्टर की बैजिंग के बगल में एक प्लस की बैजिंग अलग से दी गई है जो बताता है ये हेक्टर प्लस है, और यहाँ आपको एडास के फंक्शंस के लिए डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए लोगो लगा दिया गया है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और इस तरफ आपको रिवर्स लाइट दे रखी गई है, फेक एग्जॉस्ट ट्रिप, पीछे सेंसर्स दे रखे गए हैं, और अगर हम बूट ओपन करें तो आप चाहे तो रिमोट से ही सीधे बूट ओपन कर सकते हैं, और बूट चूंकि पावर्ड है तो अपने आप ओपन हो जाता है। यहाँ पर स्पेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो आप दो छोटे डफल बैग कैरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रखने की जगह यहाँ पर नहीं दे रखी गई है, और उस हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ी जगह की कमी जरूर है यहाँ पर। हालांकि पीछे की सीट्स दोनों स्प्लिट हो जाती है जिन्हें आप सीधा करके सामान खूब सारा इस पर कैरी कर सकते हैं। नीचे किट रखने की जगह दे रखी गई है, बाकी और कोई खास स्पेस नहीं मौजूद है। यहाँ पर स्पीकर, इधर केबिन लाइट भी मौजूद है, और ऊपर का हिस्सा वेल कवर्ड करने के लिए जगह दे रखी गई, आप चाहे तो एक बटन से भी इसको बंद कर सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ भीतर क्या क्या मौजूद है हेक्टर प्लस के साथ। हेक्टर प्लस के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो हेक्टर से काफी इंस्पायर्ड है, बस कुछ चेंजेज हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील यहाँ भी मौजूद है, और आपको वो सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि आपको चाहिए है, जैसे क्रूज कंट्रोल के बटन इस जगह पर मौजूद है, वॉइस कमांड के बटन यहाँ मौजूद है, टेलीफोनी के बटन यहाँ पर मौजूद है, इस तरफ आपको लाइट के स्विच, इस तरफ वाइपर के बटन दे रखे गए हैं। सामने 14 इंच का बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके सारे आइकन्स बहुत बड़े अच्छे साइज के हैं, यूज करने में भी काफी आसान है। मल्टीपल टाइप के आपको फीचर्स दे दिए जाते हैं इसके साथ में, आप जिन्हें अलग अलग ढंग से यूज कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इवन आप चाहे तो
आप अपनी मर्जी का वॉलपेपर भी अपलोड कर सकते हैं और कंपनी दिए हुए वॉलपेपर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप जूम करके मैप को यूज कर सकते हैं, जो बहुत इंट्यूटिव, बहुत अच्छा मैप दे रखा गया है। इसके अलावा आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिल जाते हैं, कनेक्टेड कार वाले एक दो नहीं नियरली 100 फीचर्स दे रखे गए। मगर इसके अलावा और भी अगर आप क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका लुक और फील दोनों अच्छा है। यहाँ भी सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, ये जरूर हार्ड मटेरियल दिया गया है, वह भी बिलो बेल्ट, बाकी ऊपर का हिस्सा सॉफ्ट मटेरियल से ही दिया गया है। यहाँ पर ये जो फिनिश आप देख रहे हैं यह इंटायरली डिफरेंट है, यह वॉलनट बर्न वॉलनट फिनिश कहलाती है नॉर्मली। यहाँ MG क्या नाम लेके बुलाता है यह मुझे नहीं पता है, लेकिन यह देखने में रियली काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शंस, AC के मैक्सिमाइज के बटन, इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के ऑप्शंस दे रखे गए हैं। यहीं पर पावर, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स मोड के बटन दे रखे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बैग, ऑटो होल्ड, इसके अलावा फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स को कंट्रोल करने और रियर AC को बंद चालू करने के ऑप्शंस दे रखे गए हैं। यहाँ भी आपको जगह थोड़ी सी मिल जाती है सामान रखने के लिए और इनको आप थोड़ा आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सीट का अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यह ना तो डार्क है ना बहुत लाइट है और आसानी से गंदा भी आपको नज़र नहीं आएगा। ऊपर आपको व्हाइट फिनिश देखी गई है जिसका टेक्सचर बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। पैनोरामिक सनरूफ के बटन्स भी ऊपर रखे गए हैं, गॉगल होल्डर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ भी आपको LED लाइटिंग मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको LED लाइटिंग दे रखी गई है। नहीं, मैं तो हैंडसम ही लगता हूँ हमेशा, चाहे जब भी शीशा देखूँ। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि केबिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आइए आपको दिखाता हूँ पीछे की सीटों पे एक्चुअल में कितना स्पेस है, क्योंकि वह जरूरी और काम की चीजें होती है। हेक्टर प्लस के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो स्पेशली सेकेंड रो में जहाँ पर कैप्टन सीट्स मौजूद है वहाँ स्पेस की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा मुझे नी रूम मिल जाता है और मजे की चीज बताऊं, अच्छा खासा लेग रूम भी मौजूद है और अंडर थाई सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत अच्छा दे रखा गया है। थोड़ी बहुत चीजों के बारे में बात कर ले जो इसके साथ मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको AC वेंट दे रखे गए हैं और जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, हालांकि इनको कंट्रोल करने के बटन आगे ही मौजूद है। यहाँ पर मोबाइल वगैरह फंसाने की जगह दे रखी गई है, एक USB पोर्ट भी दे रखा गया है चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि चार्ज किया जा सके। अच्छी बड़ी चीजों में बताऊं कि बीच में कोई भी बीच में टनल नहीं है, जिससे यहाँ से पीछे जाना हो तो आसानी है, बगल की सीट पर बैठना हो तो भी आसानी है, और आर्मरेस्ट की वजह से यहाँ पर बैठना आपको अच्छा फील भी कराएगा। पैनोरामिक सनरूफ की वजह से आपको क्लास्ट्रोफोबिक भी फील नहीं होगा। ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी मौजूद है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ सीटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। थर्ड रो के अगर स्पेस की बात की जाए तो नी रूम थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, लेकिन मेरी हाइट भी तो कम नहीं है, 5'10" का हूँ, तो यहाँ पर नी रूम की प्रॉब्लम है। ऊपर से नी भी काफ़ी अपराइट होने की वजह से थोड़ी दिक्कत है इस पैर को, जबकि इस पैर के लिए तो स्पेस दे रखा गया है जिसमें इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। ओवरऑल अंडर थाई सपोर्ट और होना चाहिए था, वह रियली काफ़ी कम है। हेडरूम को लेके मुझे कोई शिकायत नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दे रखे गए हैं, साथ ही आपको 3-point सीट बेल्ट भी मिल जाती है। ओवरऑल केबिन में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है। यहाँ पर आपको USB पोर्ट, AC वेंट मिल जाते हैं और इस तब आपको AC वेंट को कंट्रोल करने के लिए भी बटन्स यहाँ पर दे रखे गए हैं, जिनसे आप AC को अपने कंट्रोल भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इंतजाम तो अच्छे से किया गया है, बस थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट जैसी चीज़ों पर और गौर कर लिया जाता तो ज़्यादा बेटर लगता मुझे। यानी किट साइज करने का ऑप्शन MG ने थोड़ा छोड़ ही दिया है। अब आपसे बात कर लेता हूँ कंक्लूजन में सेफ्टी और इंजन के बारे में। इंजन ऑप्शंस वही हैं जो कि हेक्टर में दिए गए हैं, अगर आपसे मिस हो गया हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 143 PS की पावर देता है 250 Nm टॉर्क के साथ, और वही 2 लीटर का डीजल इंजन भी मौजूद है जो प्रोवाइड करता है 170 PS की पावर 350 Nm टॉर्क के साथ। CVT का ऑप्शन केवल पेट्रोल के साथ मिलता है।
अब हेक्टर प्लस में आपको टॉप एंड वेरिएंट भी आने लगे हैं, जिसमें आपको मल्टीपल सिक्स एयर बैग, साथ ही आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही अडेप्ट लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी बेहतरीन है, जो नाइट ड्राइविंग को काफ़ी इजी बनाती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में बैठ के, कार में बैठकर आप सेफ फील करेंगे। JD पावर रेटिंग, जो कि एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विस रेटिंग के लिए जाना जाता है, उसके हिसाब से इंडिया का बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर MG को माना गया है। यानी MG सबसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंडिया में बिकने वाली बाकी दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले, और वह भी एक बार नहीं, लगातार 2 साल से इसको यह अवार्ड मिल रहा है। मेरे हिसाब से यह एक रियली बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाएगा अगर आप सर्विस को कंसिडर करते हैं। रीसेल वैल्यू भी काफ़ी बेटर है, मैंने अब तक जो एक्सपीरियंस किया है उसके अनुसार। कंक्लूजन देखिए, प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि थोड़ा होल्ड करते हैं। हेक्टर की प्राइसिंग अनाउंस हो गई है, जिसको देख के लगता है कि इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी रीजनेबल रहेगी, और मेरे हिसाब से आपको इस कार को कंसिडर करना चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, नहीं पसंद आया डिसलाइक बगैर किसी संकोच के। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर, हाँ, जो आप अक्सर मिस कर देते हो, प्लीज जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि यही तो बताता है कि आप कितना इस चैनल से लगाव फील करते। देखते रहिए आस्क कार गुरु।